गुरु प्यारी संगत जी राधास स्वामी जी। संगत जी, ये सच्ची घटना एक अंधे व्यक्ति की है जो कि एक ससंगी था और जयपुर में रहता था। उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं था, वो अकेला ही घर में रहता था। उसके घर का गुजारा पेंशन से चलता था। एक बार उस अंधे व्यक्ति को किसी ससंगी भाई से पता चला कि बाबा जी जयपुर में सत्संग और दर्शन देने के लिए 2 दिन बाद आ रहे हैं। ये सुनकर अंधा व्यक्ति बहुत खुश हुआ। उसकी बहुत इच्छा थी कि वो बाबा जी के दर्शन करे, पर आंखें ना होने की वजह से उसको कहीं पर आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी। वह हमेशा देरी से पहुंचता था। फिर 2 दिन बीते, बाबा जी सत्संग करने के लिए सत्संग घर पहुँच गए। अब सत्संग में कुछ समय बाकी था। संगत बाबा जी के आने से पहले ही सत्संग पंडाल में पहुँच गई थी और सत्संग घर पूरा भर चुका था। उस अंधे व्यक्ति का घर सत्संग घर से 1 किलोमीटर दूर था और उसके पास सत्संग जाने के पैसे नहीं थे। और उधर सत्संग का टाइम हो गया और बाबा जी स्टेज पर आ गए और सत्संग शुरू हो गया। इधर ये अंधा व्यक्ति जैसे तैसे सत्संग पहुंचा। जब ये सत्संग पहुंचा तब आधा सत्संग खत्म हो चुका था। जब ये सत्संग पंडाल में जाने लगा तो सेवादारों ने इसे बाबा जी के स्टेज के नीचे बिठा दिया था, क्योंकि सत्संग में और कोई जगह नहीं बची थी। उस अंधे व्यक्ति ने वहीं पर बैठकर सत्संग को सुना। जब सत्संग खत्म हुआ फिर बाबा जी स्टेज से नीचे आए और नीचे आते ही उन्होंने सबसे पहले उस अंधे व्यक्ति पर अपनी दृष्टि डाली। पंडाल में बैठी संगत बाबा जी के दर्शन के लिए तड़प रही थी और सोच रही थी, बाबा जी को स्टेज से नीचे गए हुए 10 मिनट से भी ज्यादा हो गए हैं, बाबा जी अभी तक क्यों नहीं आए। जब बाबा जी उस अंधे व्यक्ति पर अपनी दृष्टि डाल रहे थे तब उस अंधे व्यक्ति को अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि जैसे बाबा जी उसके आसपास हो। फिर बाबा जी उस अंधे व्यक्ति पर दृष्टि डालकर संगत को सत्संग पंडाल में दर्शन देने के लिए चले गए। संगत को दर्शन देने के बाद बाबा जी फिर स्टेज के नीचे उस अंधे व्यक्ति के पास आए और उसको बाबा जी ने बोला कि आप नामदान के लिए अप्लाई करो। ये सुनकर अंधा व्यक्ति बोला, बाबा जी मैं अंधा नामदान के लायक नहीं हूँ और मैं भजन सिमरण कैसे करूँगा। बाबा जी कहते हैं, बेटा हो जाएगा, आप अप्लाई करो, बाकी मैं देख लूँगा। अंधा व्यक्ति कहता है, ठीक है बाबा जी। फिर जाते वक्त बाबा जी ने उस अंधे व्यक्ति के सर पर हाथ फेरा और उसके बाद बाबा जी ने संगत को राधा स्वामी बुलाया। फिर बाबा जी अपनी गाड़ी में बैठकर सत्संग घर से चले गए। संगत जी, इस साखी से हमें ये सीखने को मिला कि बाबा जी सबके मन की जानते हैं, हमें बाबा जी को कहने की ज़रूरत नहीं है। और बाबा जी अपने हर एक सत्संगी को अपने साथ सचखंड ले जाने के लिए आए हैं, बस हमें उनके एक हुक्म का पालन करना है और रोजाना भजन सिमरन करना है। संगत जी, बाबा जी की ये प्यारी सी साखी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें जी, और बाबा जी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जी। राधा स्वामी जी।